निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भाजपा ने अपनी विजय पताका हर तरफ फहरा दी है। 16 में से 14 मेयर भाजपा के बने हैं, जो योगी आदित्यनाथ से भी शाबाशी पा चुके हैं। हर तरफ भाजपा ही भाजपा की धूम है। इसी कड़ी में नगर विधानसभा प्रभारी और वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल सोती ने बताया कि केंद्र, प्रदेश और शहर सब जगह भाजपा का नेतृत्व व्याप्त है। पूरे राष्ट्र में सिर्फ विकास देखने को मिल रहा है। अतुल सोती लगातार भाजपा के उद्देश्यों को विकास से बताते नजर आए। अतुल सोती ने कहा कि राष्ट्र, प्रदेश और अब नगर में भी भाजपा का नेतृत्व है, इसीलिए सबको पूर्ण विश्वास है कि भाजपा अब नगर में भी विकास का काम तेजी से करेगी। वैसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जो जीत हासिल की है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा नहीं। माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा और योगी जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद क्षेत्र की पूरे प्रदेश की जनता को ये विश्वास कि गुंडाराज समाप्त हो गया, भू माफियाओं के नाम चिन्हित हो रहे हैं, कोई घोटाले का नाम सामने नहीं है, हम लोग जो पुराने घोटाले हुए उनको उजागर कर रहे हैं, ऐसे पार्टी की नीतियों और रीतियों के द्वारा और अच्छे कार्यकर्ताओं के चुनाव के द्वारा ये पार्टी ने जीत हासिल की है। विपक्षी जब वो हार जाते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं और अपनी झेप मिटाने के लिए वो कुछ भी बात करते रहें, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की नीतियाँ और जितना उत्तर प्रदेश का नागरिक त्रस्त हुआ है, हमारी जनता त्रस्त हुई है पिछले 15 वर्षों में, ये उसका परिणाम है। पहले विधानसभा चुनाव और अब ये निकाय के चुनाव, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आने वाले समय में गुजरात और हिमाचल के दोनों प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और ये इस बात का भी प्रमाण होगा कि GST या कोई भी ऐसा कार्य जो हमारी पार्टी देश हित में ले रही है, वो जो निर्णय कर रही है उसे आम पब्लिक का फायदा है, और GST के बारे में लोगों को समझ है कि अगले वर्ष के बाद 1 अप्रैल से जो नया वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उस वित्तीय वर्ष में ये देश बहुत ऊपर जाने वाला है। आप शेयर मार्केट की स्थिति देख लो, किसी भी स्थिति को देखो, देश विदेश में हमारी प्रतिष्ठा के बारे में देखो, तो जो मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं इसके कोई तोड़ नहीं है। विपक्ष के पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है, इसलिए पार्टी ने बहुमत हासिल किया और पूरे प्रदेश में 14 मेयर हमारे बने और अन्य नगरपालिका, नगर पंचायत सब जगह हमारे प्रत्याशी और पार्षद जीते, और मुरादाबाद में इतिहास रहा है कि BJP का प्रथम बार हम 50+ पार्षद जीते हैं। जितने पार्षद हमारे खड़े हुए थे उसमें से अधिकतर हमारे पार्षद जीत गए, जो पार्टी की उपलब्धियों को दर्शाता है, पार्टी के ऊपर विश्वास को दर्शाता है, और हमें जनता ने सहयोग किया है और हम विश्वास है कि आगे भी जनता हमारा सहयोग करते रहेगी और हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। हमारे लोग, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग जनता के लिए काम करते रहेंगे। EVM पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि जहां पर भाजपा ने EVM से चुनाव लड़ा वहां जीती, बैलेट से चुनाव। देखिए, EVM मशीन के बारे में निष्पक्ष संस्था हमारी चुनाव आयोग है और उसने सबको मौका दिया था कि आप EVM को चेक करवा सकते हैं। EVM चेक हुई और कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया, EVM के सिस्टम को तोड़ नहीं पाया, जिससे सिद्ध होता है कि EVM हमारी सही थी। और ये चुनाव निश्चित रूप से जनता के द्वारा विपक्ष के जो गुंडा राज और जितनी 15 सालों में इस प्रदेश में जनता को त्रस्त किया गया था उसकी परिणति है। पब्लिक ने, जनता ने यह माना कि BJP अच्छा स्वच्छ और स्वच्छ शासन दे सकती है, इसलिए हम लोगों को वोट मिला। EVM का कोई रोल ना था, ना है, ना रहेगा। जब पिछली बारों में चुनाव EVM से हुए और विपक्षी लोग जीते थे, तब किसी ने EVM पर उंगली नहीं उठाई थी। जहाँ जहाँ BJP की सरकार बनती है वहीं EVM पर उंगली उठाई जाती है, नहीं तो विपक्ष का शिप होगा है। कोई इसमें आधार नहीं है, बिना किसी आधार के ये उंगली उठाते रहते हैं।